यस देखो वी हैव टेकन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ठीक है ये हमारा PQ एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का पीस है दैट इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ठीक है कल हमने देखा था यस ऑन द बोर्ड यस्टरडे वी हैव सीन द नेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ठीक है कल वाला लेक्चर का जो हमारा फ्लो चार्ट बना था उसमें हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डिफरेंशिएशन की थी कैटेगराइजेशन की थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ होल्स इन योर कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन योर कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन योर वैलेंस बैंड तो कहने का मतलब है ये जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कितना कंडक्ट करेगा इसकी कितनी नेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है कैसे डिपेंड करती है वो हमने एक्सप्रेशन डेराइव करना है टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अब ध्यान से देखो बहुत इजी प्रोसेस है एक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का पीस लिया इसके साथ हमने वोल्टेज अप्लाई की बैटरी अप्लाई की दी एक की लगा दी लेंथ एल है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया जैसे मैं की को क्लोज करूंगा ठीक है की को क्लोज करने का मतलब है अब ये बैटरी इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी तुम्हारी P2Q ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हो ना क्यों ये इलेक्ट्रिक E वेक्टर लिखने का क्या मतलब है ये वेक्टर इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ठीक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम P2Q ठीक है अब ये तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी अब देखो जैसे मैं इस की को प्रेस करूंगा द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम क्यू टू पी यस और नो ठीक है इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम क्यू टू पी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विल बी इन द डायरेक्शन पी टू क्यू ठीक है करंट का एक हमने जनरल एक्सप्रेशन देखो यस क्लास We have looked a general expression of current in current electricity that I equal to N E A V D. ये general expression होता है current का. कोई भी अगर हमारा crystal हो, ये same diagram हमारा current electricity में भी बना था, जो I equals to N E A V D का expression था. हमने एक metallic conductor लिया था, उस conductor के across battery लगाई थी, key लगाई थी, जो हमारा current का expression निकल के आया था, that will be given by N E A V D. N तुम्हारे number of electrons, E तुम्हारा electronic charge, A तुम्हारा area of cross section, V D तुम्हारी drift velocity of electrons. अब देखो, यहाँ पे ये जो तुम्हारा semiconductor crystal है, इसमें जो ये तुम्हारा net current होगा, this net current will be due to electrons and current due to holes. ठीक है ये तो कोई दिक्कत नहीं है जो हमारे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में नेट करंट बनना है नेट करंट विल बी ड्यू टू नेट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और नेट करंट ड्यू टू होल्स और ये दोनों ऐड होंगे सबट्रैक्ट होंगे ऐड होंगे ऐड क्यों होंगे वो कल हमने देख ही लिया था भाई अगर डायरेक्शन ऑफ होल्स तुम्हारी पी टू क्यू है देखो इफ द डायरेक्शन ऑफ होल्स विल बी फ्रॉम पी टू क्यू तो होल की वजह से जो करंट होगा वो पी टू क्यू होगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं होल करंट ध्यान से देखो अगर मैं होल करंट की डायरेक्शन बताऊं फ्रॉम P2Q ठीक है होल करंट विल बी फ्रॉम P2Q डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है तुम्हारा Q2P इफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम Q2P तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा P2Q ठीक है तो ये होल करंट भी तुम्हारा P2Q है इलेक्ट्रॉनिक करंट भी तुम्हारा P2Q बनेगा तो नेट करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा आई नेट विल बी इक्वल टू IE प्लस IH मतलब नेट करंट इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विल बी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहां पे क्या मैं IE को लिख सकता हूं NE इनटू E इनटू A इनटू V की ध्यान से करंट का अगर हमारा जनरल एक्सप्रेशन NEAVD है देखो बोर्ड पे अगर हमारा करंट का जनरल एक्सप्रेशन NEAVD है तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और IH की वैल्यू क्या हो जाएगी NHEA इनटू VH भाई नंबर ऑफ होल्स स्मॉल ई
एरिया और वी एच, ठीक है, चार तो इलेक्ट्रॉन हो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन ही हमारे क्रिस्टल का सेम है, तो नेट करंट जो हमारा इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में निकल के आएगा, आई नेट की वैल्यू हो जाएगी एन ई इंटू ई इंटू ए इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू ई इंटू ए इंटू वी एच, ई और ए को मैं कॉमन ले लूंगा, एक्सप्रेशन बनेगा एन ई वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच, that is what, this is the expression for net current flowing at any time in a semiconductor crystal due to movement of both electrons as well as photons. कोई इशू इसमें, ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस से हमने किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक से हमें इतना पता था, नेट करंट का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो MeVd होता है, बिल्कुल, ठीक है, अब सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जो नेट करंट है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से है, कल हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट कंट्रीब्यूशन होती है, होल की वजह से भी करंट कंट्रीब्यूशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स करंट को कितना कंट्रीब्यूट करेंगे MeVe, होल्स करंट को कितना कंट्रीब्यूट करेंगे NH * A * VH, नेट करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से एडअप होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे Q2P ड्रिफ्ट मार रहे हैं तो उनकी वजह से जो करंट होगा वो P2Q होगा, होल्स की तुम्हारी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट P2Q है तो उनकी वजह से जो करंट होगा, भाई ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसकी वजह से करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करता है करंट उसी ही डायरेक्शन में होता है, तो होल पे पॉजिटिव चार्ज है, होल पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, अगर होल P2Q मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ होल अगर P2Q है तो डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू होल भी तुम्हारा क्या रहेगा P2Q, अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे Q2P मूव कर रहे हैं तो इनकी वजह से जो तुम्हारा करंट बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा P2Q, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी P2Q, होल करंट भी P2Q, दोनों तुम्हारे करंट ऐड हो जाएंगे, आई नेट का एक्सप्रेशन आएगा आई ई और आई एच, आई ई प्लस आई एच, आई ई तुम्हारा ये रहा, आई एच तुम्हारा ये रहा, दोनों को एडअप कर दिया, नेट करंट का हमारा एक्सप्रेशन बन गया E A M E V E plus M H, ठीक है, this is what, this is the expression for net current, हमने किसका expression निकालना है, electrical conductivity, conductivity का expression क्या होता है, symbol क्या होता है, conductivity का symbol, sigma, kappa, sigma, ठीक है, conductivity का symbol क्या होता है, sigma, अभी हमारा current का expression निकला है, हमें अभी sigma तक पहुंचना है, पहले इतना part okay करो, ठीक है, यहां तक पहुंच गए सब, नोट हो गया, करो नोट यहां तक जल्दी, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट, अगर डेरिवेशन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, फिर यहां तक छोड़ आनी है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है इतना तो करोगे, इससे आगे और स्टेप स्टार्ट होंगे अभी, ठीक है, कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं करंट निकालना है, कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा, करो नोट जल्दी यहां तक पहुंचो, हाँ जी बढ़े आगे, ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यस, ए को नीचे लेके आओ, इस एक्सप्रेशन से आई अपॉन ए की वैल्यू आएगी ई इंटू एनी वी ई प्लस एन एच वी एच, मार्केट एज इक्वेशन नंबर वन, यस, पहुंचो यहां तक, यस,
वहां से मैं एरिया को नीचे ले गया, मेरा एक्सप्रेशन बना आई अपॉन ए इक्वल टू स्मॉल ई टाइम्स एनी वी ई प्लस एन एच पी एच। पहुंचो यहां तक सभी जल्दी। हुआ ठीक है। नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सप्रेशन विल बी गिवन बाय The value of electric field in the expression will be given by इसको रब कर दो इतना portion ठीक है देखो yes electric field की value इस पूरे crystal में electric field की value क्या है e vector को v upon l लिख सकता हूँ ठीक है electric field हमारा potential per unit length होता है तो मैंने e को v by l लिख दिया clear अब देखो yes ये हमारा वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था मार्केट एज इक्वेशन नंबर टू E वेक्टर इक्वल टू V बाय L ये याद रखना है इतना प्रोसेस ठीक है ये चीज याद रखनी है ठीक है E इक्वल टू V बाय L। नाउ इसके आगे लिखो राइट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर resistance of the semiconductor will be given by R equal to rho into L upon A. The resistance of the semiconductor crystal will be given by अब इसको मैंने क्यों घुसाया R equal to rho L by A क्योंकि rho मुझे conductivity देगा rho equal to 1 upon sigma होता है इसलिए मुझे यहाँ पे इसको घुसाना पड़ा R equal to rho L upon A ठीक है यहाँ से rho का expression आ जाएगा rho की value आएगी कितनी R A upon L मार्केट एज इक्वेशन नंबर थ्री पहुंचो यहां तक हो गया ठीक है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V by L होती है इक्वेशन नंबर टू रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल R इक्वल टू रो L by A रो का एक्सप्रेशन आ गया R A by L ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री बन गया। नाउ डिवाइड इक्वेशन टू एंड थ्री राइट नाउ डिवाइड इक्वेशन टू एंड थ्री ठीक है इक्वेशन टू को इक्वेशन थ्री से जैसे डिवाइड करोगे आपका बनेगा ई बाय रो इधर आपका बनेगा वी बाय एल अपॉन R A by L, L से L cancel ये आपका बनेगा V by R A और V upon R क्या होता है I I तो ये तुम्हारा किसके equal आ गया I by A किसके equal आ गया E by rho के market as equation number 4 ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो equation 1 में I by A E into NEBE plus NHBH के इक्वल है। इक्वेशन 4 में E by rho I by A के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? E by rho equal to E into NEBE plus NHBH लिख सकता हूँ। अगर 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी आपस में इक्वल होंगे। तो सिंपल ये हमारा इक्वेशन बन गया। Yes. So, write down from 1 and 4 from equation 1 and 4 को जब आप इक्वेट करोगे एक्सप्रेशन बनेगा E by rho equal to E into NEVE plus NHVH NEVE plus NHVH E by rho equal to E into
NaVe plus NHBH। यहां तक कोई इशू? बहुत आराम से हो रहा है, ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से E को हटा के दोनों के नीचे ले जाऊं, लेके जा सकता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के नीचे ले गया, इससे मेरा क्या फायदा बना, हमारा कौन रो क्या बन गया, सिग्मा, जो मुझे चाहिए था, E into any VE, VE upon E, velocity upon electric field, क्या कहलाता है, velocity upon electric field is mu, mobility, current electricity में पढ़ा था, mobility is defined as velocity per unit electric field, लिखवाया था specially जब current electricity कराया था, एक फॉर्मूला है मोबिलिटी का, कोई भी किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी निकालनी है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो VE अपॉन E क्या बनेगा, इसको क्या नाम दूंगा, म्यू ई, और VH अपॉन E क्या बनेगा, म्यू एच, और इधर 1 अपॉन रो क्या बनेगा, सिग्मा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या क्रिएट हुआ, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एनी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। पहुंचो यहां, this is the expression for net electrical conductivity of intrinsic semiconductor। कोई चीज याद रखने वाली नहीं है, हर चीज का बस मतलब समझते रहो क्यों कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे लेके गया क्योंकि मुझे यहाँ पे कंडक्टिविटी क्रिएट करना था, और सब क्या मेरे दो स्टेप हो गए, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा मोबिलिटी बन गया। नहीं क्लियर तो यहाँ पे लिख लो, म्यू इज योर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू एच इज योर मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। और कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली मोबिलिटी किस पार्ट पे डिपेंड करेगी, देखो कोई भी पार्टिकल कितना फ्रीली मूव कर सकता है तो वो उसकी मोबिलिटी है। मोबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, सोचो मैं कह रहा हूं मोबिलिटी का मतलब है कोई भी पार्टिकल कितना फ्रीली, कितना तेज मूव कर सकता है, कितना फ्रीली मूव कर सकता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अल्टीमेटली मोबिलिटी इज लिंक्ड विद वेलोसिटी। वेलोसिटी और मोबिलिटी का मतलब है ऑलमोस्ट कि कोई भी पार्टिकल कितना फ्रीली मूव कर सकता है, कितना फास्टली मूव कर सकता है। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली भाई डेली लाइफ में मैं लेट से दो बच्चों को ले लूं, हिमानी और रितु को, दोनों में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों, मास, तो मोबिलिटी बस सिंपल, दैट इज योर मोबिलिटी, करो मोबिलिटी लिख लो, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, करो लोगों की जब तक बेइज्जती ना करो सीखते नहीं। करो नोट, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एनी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ठीक है, नोट कर लो। म्यू ई इधर देखो, यस, नाउ कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, इधर देखो ये तुम्हारा एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, इसके अंदर क्या होंगे तुम्हारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर तुम्हारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और नंबर ऑफ होल्स भी होंगे, ठीक है। और अगर अब देखो इधर देखो बोर्ड पे, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन बन गया, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एनी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अगर तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है तो एनी और एन एच इक्वल होंगे, यहां से एन भी बाहर आ जाएगा, एक्सप्रेशन बनेगा ई इंटू एन म्यू ई प्लस म्यू एच। ME और NH तो सेम होंगे, क्या μe और μh भी सेम होंगे, नो, μe क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, μh क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल, किसकी मोबिलिटी ज्यादा किसकी मोबिलिटी कम, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, क्यों, मास कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिस्ट। So, note कर लो, यहाँ पे अगर ये intrinsic semiconductor का crystal है, यहाँ तक हो गया, इसके बाद next point बना लो, if this is a intrinsic semiconductor crystal, Ne will be equal to NH और E into N, mu E plus mu H बनेगा, mu E will be mobility of electron, mu H will be mobility of hole,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल में किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसका मास कम होता है। होल का मास कितना होता है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। होल का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, चार्ज दोनों पे सेम रहता है। प्रोटॉन नहीं, कंपेयर मत करो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी से कंपेयर मत करो, किसको मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। होल का मास कितना होता है हमसे कोई पूछने नहीं वाला, किसी भी मेडिकल में यूज नहीं होने वाला, इतना ध्यान रखना। होल का मास इलेक्ट्रॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा होता है, इसलिए होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से स्लाइटली कम होती है। बस इतना नोट कर, बस इतने काम की चीज है। नहीं कह नहीं सकते टेटली की प्रोटॉन की इक्वल है, ठीक है, जरूरत नहीं होगा, कहीं यूज ही नहीं होगा, ठीक है, क्यों डिस्कशन करें होल के मास जब यूज ही नहीं होना। पहुंचे यहां तक, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से कवर अप कर लो, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग इधर देखो, यस। अब ये क्वेश्चन चार तरीके से टूट के आ सकता है, इस डेरिवेशन से चार चीजें पूछी जा सकती हैं। दिस एक्सप्रेशन इंक्लूड्स डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर नेट करंट फ्लोइंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, वहां तक करके आओगे, आई की वैल्यू एनी ई इंटू एनी वी ई प्लस एन एच वी एच। अब बता तो रहा हूं, बता एक्सट्रिंसिक के भी बता रहा हूं। इंट्रिंसिक की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी निकालने का ये एक्सप्रेशन, एंड तक करके करना क्या है, करंट का एक्सप्रेशन निकाल दिया था, उसके बाद दो चीजें लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V बाय L, रो की वैल्यू R बाय L, दोनों को इक्वेट करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, E और रो को, ये एल एल कैंसिल हो गया, VL बना तुम्हारा आई बन गया, ये भी तुम्हारा आई बाय ए है, ये भी तुम्हारा आई बाय ए है, दोनों को इक्वेट करोगे, 1 बाय रो तुम्हारा सिग्मा बन जाएगा कंडक्टिविटी, इधर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाके मोबिलिटी बन जाएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल, ये तुम्हारा कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन आ गया। ये किसकी कंडक्टिविटी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर यही तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, Ne और NH अनइक्वल होंगे, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में अगर p टाइप सेमीकंडक्टर है तो NH ज्यादा होगा, Ne कम होगा, n टाइप सेमीकंडक्टर है तो Ne ज्यादा होगा, NH कम होगा, बस हो गया। इंट्रिंसिक आ जाए, एक्सट्रिंसिक आ जाए, इंट्रिंसिक में Ne और NH सेम रखना है, एक्सट्रिंसिक में Ne और NH को डिफरेंट रखना। Ne का मतलब समझते हो ना, Ne इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन, NH इज व्हाट, नंबर ऑफ होल्स। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल में Ne और NH इक्वल रहेंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही होल्स हमारे क्रिएट होंगे वैलेंस बैंड में। एक्सट्रिंसिक में Ne और NH कैसे डिफरेंट होते हैं आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत हो डेरिवेशन में, करो पूरा कवर अप इसको। Yes, shall I wrap this? हो गया नोट ये कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, हेडिंग लिखो नंबर डेंसिटीज ऑफ, नंबर डेंसिटीज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नंबर डेंसिटीज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर डेंसिटीज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसके साथ लिख लेना मास एक्शन लॉ, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, सीबीएसई में कोई नहीं पूछेगा, मास एक्शन लॉ, ठीक है, नंबर डेंसिटीज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स इन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मास एक्शन लॉ, राइट डाउन। लेट लेट एनी एंड एनएच बी द नंबर डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एनएच तुम्हारे नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एनी तुम्हारा
number density of electrons in extrinsic semiconductor. NH तुम्हारा number density of holes in extrinsic semiconductor. Ne तुम्हारा number density of electrons in extrinsic semiconductor. आगे लिखो Ni be the number density of carriers in intrinsic semiconductor. Ni be the number density of carriers in intrinsic semiconductor. Then Ni square equal to Ne into NH. ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा. That relates number of intrinsic charge carriers, number of electrons and number of holes. Ni square equal to Ne into NH. और ये डायरेक्ट लगेगा न्यूमेरिकल. कैसे लगाना है अभी बताता हूँ. ठीक है, दिस इज योर मास एक्शन लॉ. क्लियर है इतना क्वेश्चन. ठीक है, इधर देखो आप, ये नोट हो गया Ni square will be equal to Ne into NH. Ni तुम्हारा क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. Ne तुम्हारे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और NH तुम्हारे क्या है? नंबर ऑफ होल्स. ठीक है, विद दिस पॉइंट वी आर टोटली कवर अप विद द सेमीकंडक्टर बेसिक्स. जितना हमने कवर अप किया ये सब सेमीकंडक्टर के बेसिक्स हैं, कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन कैसे होती है, सेमीकंडक्टर की नेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ा डिटेल में हमने नहीं की उसको देखते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वर्किंग. इंट्रिंसिक की तो वर्किंग हमें टोटली क्लियर है, कि अभी जो मैंने क्रिस्टल लगाया था, इधर देखो, यस ऑन द बोर्ड. देखो, जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या तुम समझ पा रहे हो, ये अभी जो हमने डेरिवेशन की उसमें हमने क्रिस्टल लिया था P2Q. जैसे ही मैंने उसके अक्रॉस बैटरी लगाई थी, आपके माइंड में पिक्चर बनी होगी कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होंगे. एक पहले बीच में तुम्हारे वैलेंस बैंड रहे होंगे, फिर तुम्हारे कंडक्शन बैंड रहे होंगे तुम्हारे एटम्स के अंदर. ठीक है, जैसे ही आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे जंप किए होंगे, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्टिविटी में, और उतने नंबर ऑफ होल्स तुम्हारे क्रिएट हुए होंगे वैलेंस बैंड में. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी जो इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की, वो होगी जितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पहुंचे कंडक्शन बैंड में, और उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे जितने होल्स जनरेट हुए वैलेंस बैंड. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. हमने कल पढ़ा था, जो मैंने पूरा इधर चार्ट पे लिखवाया था, कि नेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड करस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ होल्स जनरेटेड इन द वैलेंस बैंड. और इस तरफ जो हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगराइजेशन की थी, ये सारा तो मैंने लिखा ही था. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या बताया था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग बताया था ना. देखो, अब एक्सट्रिंसिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. देखो बोर्ड पे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वैसे कोई पूछने नहीं वाला तुमसे, बट थोड़ा देख लो माइंड में कि हाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्रेफर्ड ओवर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इधर देखो, यस, कल हमने ये देखा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता कैसे है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मैंने पीस लिया, वी हैव टेकन अ पीस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसकी मैंने क्या की? डोपिंग. ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैंने डोप किया. डोपिंग का मतलब क्या होता है? डेलिबरेट एडिशन ऑफ इंप्योरिटी. ठीक है, इंप्योरिटी को ऐड करना. डोपिंग का मतलब क्या होता है? जानबूझ के मैं इंप्योरिटी को ऐड कर रहा हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, क्योंकि वो उसकी नेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. अब डोपिंग करने के दो मेथड हैं. डोपिंग तुम्हारी दो तरीके से हो सकती है. या तो तुम्हारे जो जिस फ्लूड से, जिस भी तुम मटीरियल से डोपिंग कर रहे हो, वो मटीरियल या तो तुम्हारा ट्राइवेलेंट है या तुम्हारा पेंटावेलेंट है. ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, पेंटावेलेंट का मतलब जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, और जिसकी आप डोपिंग कर रहे हो वो क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन. तो एक साइकिल समझ पा रहे हो,
कि जिसकी तुम डोपिंग कर रहे हो उसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे डोपिंग करनी है वो दो पॉसिबल केसेस हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब फोर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे, जब आप ट्राइवेलेंट से डोपिंग करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, पहले कॉमन सेंस से समझा रहा हूं फिर पढ़ेंगे। ऑलरेडी इसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे, जब आपने ट्राइवेलेंट से डोपिंग की तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? पी टाइप। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा क्या बन गया? पी टाइप। अब ये बनता कैसे है वो डिटेल में देखते हैं, अभी सिर्फ कॉमन सेंस दिखा रहा हूं। ऑलरेडी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में सिलिकॉन और जर्मेनियम में चार वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे, आपने जिससे डोपिंग की उसके वैलेंस शेल में पांच, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो वो तुम्हारा क्या बनेगा? अब ये बनता कैसे है वो पूरा डिटेल में देखते हैं, अभी सिर्फ कॉमन सेंस से चीजें, इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, देखो दोबारा, यस ऑन द बोर्ड डिस्कशन डन, लास्ट बेंच, इधर देखो बोर्ड पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तुम्हारा क्या चीज है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, डोपिंग करोगे या तो डोपिंग आप लोग ट्राइवेलेंट से कर सकते हो या पेंटावेलेंट से कर सकते हो, ट्राइवेलेंट से डोपिंग करोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा क्योंकि उसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, नाम से क्लियर हो रहा है ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट से डोपिंग करोगे वैलेंस शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है, जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बनेगा वो एन टाइप। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि डोपिंग से नेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती कैसे है। अब नोट मत करना इस प्रोसेस को, ठीक है, समझ लो बस इसको। यस, ऑन द बोर्ड, लेट्स से यस, मैं मार्केट से एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर परचेज करके आया है, दिस इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सिलिकॉन और जर्मेनियम तुम्हारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मेरे पास ऑप्शन हो सिलिकॉन को परचेज करना है, जर्मेनियम को परचेज करना है, किसको परचेज करूंगा? जर्मेनियम। क्यों? एनर्जी गैप कम है, कम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और उतने मेरे होल्स जनरेट होंगे, तो मैं मार्केट से एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का ऑप्शन था, लेट्स से मैं सिलिकॉन को परचेज कर रहा है, सिलिकॉन का मैंने क्रिस्टल परचेज कर लिया, ये एक सिलिकॉन का पीस है। ठीक है, अब अगर ये सिलिकॉन का पीस है, इसके अंदर सिलिकॉन के मिलियंस ऑफ एटम्स बने होंगे, इसके अंदर सिलिकॉन के मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो अगर मैं रफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायग्राम बनाऊं इसका, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये सब एटम्स किसके हैं? सिलिकॉन, 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 ये बस तुम्हें एक उसका पोर्शन दिखा रहा हूं स्ट्रक्चर का, ऐसे तुम्हारे मिलियंस है और ये सब आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, इधर देखो बोर्ड पे, इन सब में आपस में कौन सी बॉन्डिंग हो रखी है? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी है। ठीक है, अब दो तीन चीजें इसमें नई सीखने को मिलेंगी, उस चीज को समझना। मुझे तो एक ही सुनी, दूसरा खा गई क्या? ठीक है, इधर देखो, ये तुम्हारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ठीक है, उस क्रिस्टल में ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स है, एवोगैड्रो नंबर, हमने उसका एक पार्ट ले लिया, लेट्स से हमने 9 एटम्स को काउंट में लिया, ये सब सिलिकॉन के एटम्स है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो इन चीजों को। पहले फिलहाल ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। ठीक है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर देखो बोर्ड पे, इस तरीके से मैं बना रहा हूं, हर सिलिकॉन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखना ध्यान से चीज, जो चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बना दिया, हर सिलिकॉन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन है। क्या आप लोगों ने ऑक्टेट रूल नाम की चीज पढ़ी है? क्या चीज होती है ऑक्टेट रूल? क्या होता है पुराना जरा एक बार, एक मिनट, एक मिनट, हिंदी बाजार मत बनाओ, जिसको पता हो वही बोले कृपया करके। ऑक्टेट रूल क्या होता है? कार्बन में बड़ा ऑक्टेट रूल कहां पड़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड ये बॉन्डिंग ही हो रखी है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, सिलिकॉन सिलिकॉन में ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, हां, केमिकल बॉन्डिंग में आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है, क्या होता है ऑक्टेट रूल? सर ऑक्टेट में आ जाएगा,
ऑक्टेट रूल कुछ कुछ देखो केमिस्ट्री की तुम्हारी प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं पता, मुझे ऑक्टेट रूल का इतना आइडिया है कि कोई भी तुम्हारा एटम जब दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट का मतलब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिलहाल इस सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? अब इस सिलिकॉन, कोई भी सिलिकॉन एटम है, ध्यान से देखना जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? शायद तुमने ये चीज पहली बार सुन रहे हो, थोड़ी अजीब चीज है बट एक्चुअल में ऐसा होता है। देखो बोर्ड पे अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है, यस इधर देखो, अगर तुम्हारे एटम, लेट्स से ये तुम्हारा एक एटम है, ये तुम्हारा दूसरा एटम है, ये तुम्हारा तीसरा एटम है, ये तुम्हारा फोर्थ एटम है, ठीक है? इधर देखो, ठीक है, ये मैंने एटम्स का स्ट्रक्चर बना दिया। अब तक हमारे माइंड में पिक्चर बनी होती है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है जी, हमने यही पढ़ा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन होती है। बट जब यहाँ पे सिलिकॉन के एटम्स हैं, ठीक है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली इस सिलिकॉन या कोई भी सिलिकॉन एटम है, लेट्स से मैं इस सिलिकॉन एटम को काउंट में लेके चल रहा हूं, इसको हमने ढंग से स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है, जिस तरीके से ये सिलिकॉन एटम है उस तरीके से सभी सिलिकॉन एटम्स की टेंडेंसी होगी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की। ऑक्टेट को कंप्लीट करने का मतलब है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आना। ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कोई नियर बाय वाले 4 इलेक्ट्रॉन, 4 सिलिकॉन एटम्स पकड़ेगी, लेट्स से ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया और ये एटम हो गया। ये चारों सिलिकॉन के एटम्स कौन से हैं? जिसका डायरेक्टली बॉन्ड है इस सिलिकॉन के साथ। विजुलाइज कर पा रहे हो? ये जो सिलिकॉन एटम है जिसको मैंने अकाउंट में लिया, इस सिलिकॉन एटम का डायरेक्ट फिजिकल लिंक है इस एटम के साथ, इस एटम के साथ, इस एटम के साथ और इस एटम के साथ बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये क्या करेगा? एक तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा। वो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रोसेस क्या होगी, यहां से ध्यान से समझो। लेट्स से मेरा ये सिलिकॉन का एटम है जिसको हमने ढंग से स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है, ये ऑलरेडी इन 4 सिलिकॉन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। 4 तो इस सिलिकॉन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो नियर बाय के 4 एटम्स हैं ये अपने अपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के एटम्स के साथ शेयर करेगा। वो शेयरिंग कैसे होगी, ध्यान से देखो, कि जो इस एटम का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम के अंदर इस तरीके से नहीं सर्कल लगाएगा, उसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो होगा इस तरीके। गेटिंग माय पॉइंट, कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ये पहले ऑलरेडी सिर्फ इस एटम के अंदर सर्कुलेट हो रहा था, इस एटम के अंदर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा था, बट जैसे ही कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी इस सिलिकॉन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन नियर बाय एटम से चाहिए होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नियर बाय इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा इस तरीके से, इस इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा इस तरीके से, इस इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा इस तरीके से और इस इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा इस तरीके से। तो बीच वाला सिलिकॉन का जो एटम हो गया, अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 तो इसके अपने हैं और 4 इसने नियर बाय सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर कर लिए। अब जो प्रोसेस ये एक एटम ने फॉलो किया वही प्रोसेस सारे सिलिकॉन एटम्स फॉलो करेंगे और हर सिलिकॉन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। पहली बार पढ़ी है चीज, ठीक है, अब तक तो माइंड में पिक्चर यही थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम के अंदर ही, पेरिफेरी के अंदर ही रिवॉल्व करता है, बट अगर किसी भी एटम ने बॉन्डिंग बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो नियर बाय एटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरीके से होती है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो उस एटम की पेरिफेरी तक ही नहीं लिंक रहता, वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? अब ये तुम्हारी, ये मैंने किसकी एग्जांपल बनाई है, इधर देखो, दिस इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। अब बोर्ड पे देखना ध्यान से जो चीज मैं बता रहा हूं,
ये एक अभी फिलहाल छोड़ दो, एक्सट्रिंसिक टॉपिक भूल जाओ। ये मैं मार्केट से एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर परचेज करके लाया, दिस इज योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर, इसके अंदर सिलिकॉन के एटम इस तरीके से बॉन्डेड होंगे। जैसे ही मैं यस ऑन द बोर्ड, जैसे ही मैं इसको हीट अप करना स्टार्ट करूंगा, इधर देखो ये जो तुम्हारे चार इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो बोर्ड पे ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के वैलेंस शेल में, इन्होंने क्या किया हुआ है, नियर बाय सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस स्ट्रक्चर को हीट दूंगा, टेम्परेचर दूंगा, टेम्परेचर देने से क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना। भैया देख रहे हो ना, ये जो चार इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए, फिलहाल ये नियर बाय सिलिकॉन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी थे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। जैसे ही मैंने हीट दी, बॉन्ड्स तुम्हारे टूट गए। बॉन्ड टूटने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब है क्या जनरेट हो गया, होल। ठीक है, ये भी होल बन गया, ये भी होल बना, ये भी होल बना, ये भी होल बना। ठीक है, अब ये तो मैंने एक सिलिकॉन एटम की एग्जांपल दी, सभी सिलिकॉन एटम्स के बॉन्ड टूटने स्टार्ट होंगे। जितने तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, उतने तुम्हारे नंबर ऑफ होल जनरेट हो रहे हैं। इस तरीके से ये तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पीस कंडक्ट करता है। कितना पार्ट ओके? अब आ जाओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। अब अगर यही एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पीस होता, इधर देखो बोर्ड पे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग। डोपिंग का मैंने तुम्हें मतलब बताया, डोपिंग का मतलब है डेलिबरेट एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। अब देखो बोर्ड पे, ये पार्ट अब कर दो इधर, इतना चीज क्लियर हो गया। ये नोट करने वाला नहीं है, कुछ लिख के भी आने आने वाला नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, तुम्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डिटेल में जाने के लिए बताना जरूरी था थोड़ा। इधर देखो, डोपिंग जब मैंने करनी है, मेरे पास डोपिंग करने के दो ऑप्शन है। इधर देखो, इधर आई कैन डोप विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और आई कैन डोप विद पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। गेटिंग माय पॉइंट? डोपिंग या तो मैं ट्राइवेलेंट से कर सकता हूँ या मैं पेंटावेलेंट से कर सकता हूँ। ट्राइवेलेंट की एग्जांपल्स हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की एग्जांपल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ट्राइवेलेंट एटम्स की एग्जांपल है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। पेंटावेलेंट की एग्जांपल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इसको याद कैसे रखना है, वो अपने पीरियोडिक टेबल के रट्टे मारेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इधर देखो, अगर आप अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इन पांचों मटेरियल में से किसी एक मटेरियल का इंजेक्शन लगाते हो, तो जो आपका रिजल्टिंग क्रिस्टल बनेगा वो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग से जो बनता है पी टाइप बनता है। अगर आप अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन पांचों में से किसी एक मटेरियल का इंजेक्शन लगा के डोपिंग करते हो, तो जो उससे आपका स्ट्रक्चर मिलके बनेगा वो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप से ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से पी टाइप, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से एन टाइप। अब देखते हैं डोपिंग होती कैसे है। इधर देखो, ये तुम्हारा कौन सा क्रिस्टल है, सिलिकॉन का इंट्रिंसिक क्रिस्टल। ठीक है, ये सिलिकॉन का इंट्रिंसिक क्रिस्टल, मैं मार्केट से एक इंजेक्शन परचेज करके लाया, मैंने इसके अंदर आर्सेनिक को फिल कर लिया ऑन द बोर्ड। अभी फिलहाल इस इंजेक्शन के अंदर आर्सेनिक का फ्लूड है, आर्सेनिक लिक्विड है। ये फिलहाल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इस तरीके से सिलिकॉन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, बिल्कुल प्योर है। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये इंजेक्शन मैं मार्केट से परचेज करके लाया, इसके अंदर मैंने आर्सेनिक फ्लूड भरा हुआ है। जैसे ही मैं इस इंजेक्शन को इसके ऊपर लगाऊंगा, होगा क्या, ये जो फ्लूड है इसके अंदर आर्सेनिक का, वो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जाना शुरू करेगा, और डोपिंग जो हमारी होती है, इधर देखो, डोपिंग जो हमारी होती है वो 1 ppm के अकॉर्डिंगली होती है। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है ये तुम्हारे अगर 10, ये फिलहाल तुम्हें 9 एटम्स दिख रहे हैं, अगर तुम्हारे किसी रीजन में 10^6 एटम्स होंगे, तो उसके अंदर जो डोप्ड एटम होगा वो 1 होगा, 1
इन 10 टू द पावर 6 एटम। जो डोपिंग का तुम्हारा अमाउंट होता है वो तुम्हारा होता है 1 ppm। 1 ppm का मतलब है 1 पार्ट्स पर मिलियन। कहीं इस रीजन में लेट्स से अगर ये तुम्हारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसके इतने रीजन में 10 टू द पावर 6 एटम्स हैं सिलिकॉन के। जब आप इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हो तो इतने रीजन में जो तुम्हें आर्सेनिक का एटम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा 10 टू द पावर 6 के बीच में। अब इधर देखो बोर्ड पे, जैसे ही मैंने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था, आर्सेनिक का फ्लूइड इधर से आ रहा है। इधर देखो आर्सेनिक का फ्लूइड इसके अंदर इंजेक्ट हुआ, ये आर्सेनिक का फ्लूइड आया। आर्सेनिक का कोई एक एटम किसी सिलिकॉन के एक एटम पे अटैक करेगा। जैसे ही आर्सेनिक के एटम ने सिलिकॉन के एटम पे अटैक किया, ये पूरे सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा। अब यहां पे कौन आ गया? आर्सेनिक। इसने पूरे सिलिकॉन को क्या किया? रिप्लेस किया। यहां पे पहले क्या था? सिलिकॉन। अब क्या आया? आर्सेनिक। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो नियर बाय सिलिकॉन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फ्री हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो एक आर्सेनिक के एटम में दिया, इस इंजेक्शन में कितने आर्सेनिक के एटम होंगे? उन कितने ही आर्सेनिक के एटम से कितने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनको हमें बॉन्ड देके तो एनर्जी देके बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले क्या हो रहा था, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती थी। डोपिंग करने के बाद जो मुझे एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स मिल रहे हैं, ये ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो मेरा रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर क्रिस्टल निकलेगा, ये कौन सा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। इसको एन टाइप क्यों कहूंगा? क्योंकि ये नेट इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि ये जो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है ये पूरे स्ट्रक्चर में हमें एडिशनल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिलने का मतलब है मैंने इसकी नेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप की डोपिंग देखते हैं। पी टाइप की डोपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। लेट्स से मैंने गैलियम ले लिया, मैंने एक इंजेक्शन लिया, इसके अंदर मैंने गैलियम का फ्लूइड इंजेक्ट कर लिया। अब मैंने इस प्योर सेमीकंडक्टर को गैलियम से डोप करना है। यहां पे ऑलरेडी पहले क्या है? सिलिकॉन, 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 कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, कोई होल एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे ही मैं इसके अंदर गैलियम का इंजेक्शन लगाऊंगा, कोई एक गैलियम का एटम जाके सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस करेगा। यहां पे तुम्हारा क्या बना? गैलियम पहुंच गया। गैलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने चाहिए थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, और यहाँ पे क्या बन गया? होल। पहले यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन। अब क्या क्रिएट हो गया? होल। तो अब अगर ये पी टाइप, ये बना एक गैलियम के एटम से एक होल, हमारे तो कितने गैलियम ऑफ एटम्स होंगे, तो उनसे हमारे कितने होल्स बनेंगे? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में तुम्हारा NH विल बी ग्रेटर देन NE, नंबर ऑफ होल्स विल बी वुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ। सो दिस इज हाउ अ प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वर्क्स। ओके, किसमें? इसमें नहीं होगा जो रिप्लेस। हाँ बोलो, हो गया? अभी देखते हैं। वो तो अब एटम की इंडिविजुअलिटी कब है? जब इसने टूट गया, इसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं, ठीक है? यस, क्वेश्चन इज, जब ये सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा, वो सिलिकॉन कहां गया? एटम की इंडिविजुअलिटी कब है? जब उसने 7 वाले एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसे ही मैंने उसकी बॉन्डिंग ही हटा दिए, खत्म, तीन तो बॉन्ड बना लेगा ना, 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, नियर बाय 3 सिलिकॉन के एटम से बॉन्ड बना लेगा, एक खाली जगह बचेगी जो हमारा होल क्रिएट होगा।
इधर देखो पहले इतना यस ये पार्ट क्लियर है एक्सट्रिंसिक का राइट डाउन सर रुक जाओ एक मिनट टाउस को होल्ड पे रखो 5 मिनट मुझे दोबारा करा लेने दो क्लियर हो जाएगा रुको होल्ड पे रखो 5 मिनट कोई बात नहीं हो जाएगा पहले एक बार कंप्लीट कर लेने दो फिट आओ पहले नोट कर लो जो नोट करने वाला प्रोसेस है वो नोट कर लो पहले क्लियर कर देना मुझे टॉपिक फिर हो गया नोट इधर देखो बोर्ड पे यस देखो अब तक हमने यस ऑन द बोर्ड सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरीज पढ़ चुके हैं देखो बोर्ड पे सेमीकंडक्टर मेजरली हमारे दो कैटेगरी के होते हैं कौन कौन से सेमीकंडक्टर की कैटेगरीज इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इधर देखो बोर्ड पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक की एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम एक्सट्रिंसिक की कैटेगरीज पी टाइप और एन टाइप अब देखो जो दो चीजें हमारी काम की बची हैं अगर आपको आगे एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कर दोगे yes, बताना जरा नंबर ऑफ होल एक तो प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स और कंडक्टिविटी इनकी कम होती है इनकी ज्यादा होती है इनमें डोपिंग नहीं होती उनमें डोपिंग होती है इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर और डोपिंग दोनों पे डिपेंड करती है चार पांच बना लोगे पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंसेस कर दोगे यस सर ठीक है अब इधर देखो काम की अगर मैं तुम्हें इधर देखो मैं तुम्हें ऑप्शन दूं मार्केट से एक सेमीकंडक्टर परचेज करके लाओ आप इंट्रिंसिक परचेज करके लाओगे कि एक्सट्रिंसिक को परचेज करके लाओगे इंट्रिंसिक के एक्सट्रिंसिक क्यों इसकी जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ बॉन्ड टूटने पे डिपेंड करती है इसकी कंडक्टिविटी बॉन्ड टूटने के साथ जो एडिशनल चार्ज कैरियर्स है उन पे भी डिपेंड करती है मतलब अगर आपको इसको वर्किंग इधर देखो अगर आपको इसको वर्किंग कंडीशन में लेके आना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो चार्ज कैरियर फ्री होंगे इसको वर्किंग कंडीशन में लेके आना रूम टेम्परेचर पे ही कुछ चार्ज कैरियर इतने अवेलेबल हैं जो तुम्हारे डोप्ड चार्ज कैरियर हैं डोपिंग की वजह से हैं जो आराम से कंडक्टिविटी कर सकते हैं बिना बॉन्ड टूटे इधर देखो अब आगे अगर मार्केट में हमारे पास एक्सट्रिंसिक अवेलेबल नहीं है सिर्फ इंट्रिंसिक अवेलेबल है सिलिकॉन उठा के लाओगे जर्मेनियम जर्मेनियम क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत कम होता है सिलिकॉन का ज्यादा होता है एक्सट्रिंसिक की अगर ऑप्शन है पी टाइप और एन टाइप किसको उठा के लेके आओगे पी टाइप क्यों पी पॉजिटिव होता है अच्छा ही है पी टाइप में क्या इलेक्ट्रॉन होल दोनों नहीं अवेलेबल दोनों है एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन होल दोनों है पी टाइप में इधर देखो P टाइप में NH is greater than Ne, N टाइप में Ne is greater than NH. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे होल ज्यादा है
दोनों में से मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? एनी की. एनी. सो वी विल प्रेफर एनी ओवर एमएच. सो सेमीकंडक्टर में अगर एक्सट्रिंसिक में आपने कंपेयर करना हो, ठीक है, प्रेफरेंस देनी हो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रेफर्ड ओवर पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज़ इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. अब हमारे डिवाइसेस स्टार्ट होंगे, मैं एनई और एनएच की जगह मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वर्ड यूज करूंगा. इंट्रिंसिक से हमारा काम खत्म हो गया. अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा डिवाइसेस का, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ डील करना है. पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? पी टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा कौन है? होल. ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का इलेक्ट्रॉन ज्यादा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होल. एन टाइप और पी टाइप में प्रेफरेंस किसको देंगे? एन टाइप को. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है. अरे जो बॉन्ड होते हैं उनसे तो होल्स प्रोड्यूस होंगे. इंट्रिंसिक वाला पार्ट तो क्या? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रही है बट होल्स तो बन ही बन रही है. यस, इधर देखो. यस, क्लास इधर देखो. यस, क्वेश्चन इज कि एन टाइप में होल कहां से आ रहे हैं? होल कब बन रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो गया उसका. बिल्कुल. होल कब बनेंगे? जब बॉन्ड टूटेगा. बॉन्ड कब टूटेगा? जब टेम्परेचर दोगे. एन टाइप में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो तो डोपिंग करके आ रहे हैं. अदरवाइज जब आप टेम्परेचर देते रहोगे, बॉन्ड टूटते रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना वैलेंस बैंड में, तो होल्स तो तुम्हारे रहेंगे ही रहेंगे. एडिशनल कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक तो ये काम कीजिए. हो गया नोट? बस एक और पॉइंट बचा है, बाकी हमारा खत्म है. एक और पॉइंट बचा उसके बाद इंक्रीज होते हैं. कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितने चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे उस अकॉर्डिंगली लिखो. राइट डाउन. लेट एनआई बी द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. लेट एनआई बी द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन.
let Ni be the intrinsic charge carrier concentration and delta T will be the rise in temperature, then at any temperature T the number of charge carriers will be given by Ni square equal to A T cube e raised to the power minus E G by K. Ni square equal to A T cube e raised to the power minus E G upon K T. Equal to AT cube e raise power minus EG upon KT. Ni तुम्हारा क्या है? Intrinsic charge carrier concentration. A तुम्हारा क्या है? Constant. ठीक है? उसके बाद T तुम्हारा क्या है? Temperature. E raise power minus EG upon KT. EG तुम्हारा क्या है? Energy gap. K तुम्हारा क्या है? Boltzmann constant की value कितनी होती है? 1.38 into 10 to the power minus 23. ठीक है? जूल पर कैल्विन. और तुम्हारा टेम्परेचर ठीक है कांस्टेंट होगा अभी बताता हूं न्यूमेरिकल बताता हूं वो गिवन होगा कोई भी कांस्टेंट होगा सेमीकंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है ये कांस्टेंट है हां जी इक्वेशन से देखने में पता चल रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से या नहीं बढ़ेगा यहाँ T cube के अकॉर्डिंगली है यहाँ E की पावर में है टेम्परेचर को बढ़ाओगे ये पूरी टर्म तुम्हारी डिक्रीज होगी वो डिनोमिनेटर में जाएगा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो Ni तुम्हारा सॉरी डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो Ni तुम्हारा इंक्रीज होगा लिखो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन इज यहां पे टेंपरेचर शुड बी इन केल्विन नोट कर लेना टेंपरेचर तुम्हारा केल्विन में रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन हो केल्विन में चेंज कर लेना क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तुम्हारा 1.38 into 10 power minus 23 जूल पर केल्विन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन इज 10 टू द पावर 19 पर मीटर क्यूब 10 टू पावर 19 पर मीटर क्यूब If the forbidden energy gap is 1.02 EV, if the forbidden energy gap is 1.02 EV, find the electron hole pairs at 500 Kelvin. Find the number of electron hole pairs at 500 Kelvin. समझ गए क्वेश्चन? 300 Kelvin पे तुम्हारे जो intrinsic charge carrier concentration है वो है तुम्हारी 10 to the power 19. 500 Kelvin पे तुम्हारी Ni की क्या value होगी? बोलेगा क्वेश्चन? इधर देखो बोर्ड पे क्या करोगे
ये तुम्हारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली यस ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे mi की वैल्यू पहले दे रखी है 10 टू पावर 19 का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज डालोगे, यस क्या वैल्यू बनेगी, 10 टू द पावर 19 का स्क्वायर इक्वल टू a को एज इट इज, t क्यूब मतलब 300 का क्यूब, e रेस पर माइनस eg कितना है 1.02 ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 1.6 एडवा माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर लेना अपॉन kt, k की वैल्यू ये रही, t की वैल्यू 300, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे, ni स्क्वायर निकालना है इक्वल टू a इनटू 500 क्यूब e रेस पर माइनस 1.02 ev अपॉन k इनटू 500, क्या करोगे इसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो, ये खत्म हो गया, a से a खत्म हो गया, ये तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व होके ni की वैल्यू तुम्हें दे देगा। ni की वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी 10 टू पावर 19 से, ज्यादा आएगी कम आएगी, ज्यादा, क्यों, टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है। आंसर नोट कर लो, घर जाके सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 3.3 इंटू 10 टू पावर 22, एमआई की वैल्यू आएगी 3.3 इंटू 10 टू दी पावर 22 पर मीटर क्यूब। कैलकुलेशन उल्टी सीधी होगी क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, लॉग लूप बनेंगे इसमें। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा किस्मत खराब है तो इस बेस का क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। ठीक है, सेमीकंडक्टर बेसिक्स, मतलब टफ से टफ अगर क्वेश्चन बनना हुआ तो इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, इसको याद रख लेना, अदरवाइज बेसिक्स हमारा सारा कवर्ड आता है। नेक्स्ट क्लास से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टार्ट करनी है। फॉर्मूले जो हमारे बेसिक से निकल के आए, सिर्फ दो चीजें, एक तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एनी म्यू ई प्लस एनएच म्यू एच, वो फॉर्मूला, एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनआई स्क्वायर इक्वल टू एनी इंटू एनएच, और ये थर्ड हमारा ये एनआई स्क्वायर इक्वल टू एटी क्यूब ई रेस पावर माइनस एटी बाय के। करो रिव्यू पूरा लेक्चर, देखो